अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद टीवी के साथ मैं हूं शज़ाए जाज। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए अवाम से कल आधे घंटे के लिए बाहर निकलने की अपील की। ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मैं चाहता हूँ तमाम पाकिस्तानी कश्मीरी अवाम से यकजहती के इजहार और मकबूजा कश्मीर के लोगों को वाज़ेह पैगाम भिजवाने के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम इनके साथ खड़ी है। अफगान तालिबान ने दावा किया है कि कतर में अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। दोहा में अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के नवे दौर का आज पांचवा रोज है। अफगान अमूर पर गहरी नजर रखने वाले सीनियर सहाफी मुश्ताक यूसुफ जई के मुताबिक तालिबान जराए के मुताबिक अमरीका ने इनके 98% मुतालबात मान लिए हैं। पाकिस्तान ने जमीन से जमीन पर हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजुर्बा किया। पाक फौज के शुबाए ताल्लुकात आमा SPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया कि गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर पर भारत जो कदम उठा चुका है इससे वो आलमी सतह पर फंसा हुआ है। दफ्तर खारजा में हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू मुसलसल 25वें रोज भी जारी है। वादी में हर कोने पर भारतीय फोर्सेस तैनात हैं ताकि अवाम एहतजाज न कर सके। हुर्रियत के सीनियर रहनुमाओं और हजारों कश्मीरियों की मुसलसल हिरासत पर तश्वीश है। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कहा है कि या हम खत्म हो जाएंगे या भारत कश्मीर में नहीं रहेगा, क्योंकि हम मारे भी जाएं और हिंदुस्तान भी यहाँ रहे ये नहीं हो सकता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाली अकाउंट्स केस में जेर हिरासत साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। LNG केस में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के जिस्मानी रिमांड में 14 दिन की मजीद तौसी कर दी गई। नैब हुकाम की जानिब से रिमांड की मुद्दत खत्म होने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी को एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज शाहरुख शाह अर्जुमेंट के रूबरू पेश किया गया। और कौमी टीम के कोचिंग स्टाफ के लिए 5 रुकनी पैनल का पहला इजलास हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोचिंग स्टाफ के लिए 5 रुकनी पैनल तश्कील दे दिया, जिसमें CEO PCB वसीम खान, रुकने कॉर्निंग बोर्ड असद खान, इंतखाब आलम बाजेद खान और जाकिर खान शामिल। उम्मीद टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए उम्मीद टीवी या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.umeedtv.tv।